हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक मास्टर का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्कॉलरशिप में आखिरकार बहुत ही बड़ी यहाँ पर समस्या आ रही है। काफ़ी स्टूडेंटों के 25% स्टूडेंटों के यहाँ पर जो है वो समस्या ये आ रही है। क्या यहाँ पर समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो आपकी स्कॉलरशिप आप फॉर्म फिल किया है उसमें आपका बिल जनरेट होने के बाद में या फिर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो सेकंड किस्त है उसके मध्य में जो है आपके पास में काफ़ी जो है वो एक इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। क्या यहाँ पर इशू है कि ये इशू आपके सामने देखने को मिल रहा होगा कि IFC कोड नंबर नोट यहाँ पर रॉन्ग, IFC कोड नंबर रॉन्ग, अकाउंट नंबर रॉन्ग, या फिर जो है आपकी डिटेल, अकाउंट डिटेल आपकी जो है वो रॉन्ग है, IFC कोड ये सब कुछ मतलब रॉन्ग है आपका। बिल्कुल राइट होते हुए भी कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर है जो आपके ऑब्जेक्शन नहीं डाले जा रहे, लेकिन वहाँ पर वो टॉप पर आपको मेंशन कर देते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन फिल होते हैं वहाँ पर कि आपकी जो है वो डिटेल आपकी मैच नहीं खा रही या रॉन्ग है, या फिर अकाउंट नंबर रॉन्ग या IFC कोड नंबर रॉन्ग है। तो ऐसे करके आपका एक इशू क्रिएट हो रहा होगा। वहाँ पर आखिरकार क्या करें, क्या उसका सॉल्यूशन है, वो पूरा यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट यहाँ पर वीडियो को देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक SSID मैंने ओपन कर रखी है, उसका मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आपको मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि चेंज योर अकाउंट डिटेल ड्यू टू अकाउंट नंबर और IFC कोड नॉट यहाँ पर वैलिड, नॉट वैलिड। तो आपके पास में ये किसी प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास में ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंट नंबर नॉट मैच, अकाउंट नंबर नॉट वैलिड, IFC कोड नंबर नॉट वैलिड, IFC कोड नंबर रॉन्ग, ऐसे करके कुछ भी आपके इशू आ जाएगा अकाउंट से रिलेटिव, अकाउंट से रिलेटिव आपके कुछ भी इशू आ जाएगा। तो आखिरकार ये चीज़ें काफ़ी स्टूडेंटों के साथ में हो रही है। तो आज इसी का समाधान मैं आपको बताऊँगा, क्या है आखिरकार इसका समाधान वो आपको मैं बताऊँगा। तो इसका समाधान क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आखिरकार ये क्या हो रहा है कि जैसे कि पिछले आपने देखा होगा एक साल पहले जो है वो अकाउंटों का यहाँ पर मर्ज किया गया था, अकाउंट को मर्ज किया गया था। उसमें आपका यहाँ पर मर्ज करने के बाद में कहीं ना कहीं कई अकाउंटों को मर्ज करने के बाद में जो है एक इशू ये प्रॉपर हुआ। उससे पहले तो कंटिन्यू वो वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको मैं बता दूँ। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, तो जैसा कि अगर मैं बात करूँ समाज कल्याण जो ऑफिस है उसमें यहाँ पर क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी चिपकाया हुआ है, नोटिफिकेशन में डाला गया है कि ये आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका सॉल्यूशन ये करें। तो सभी स्टूडेंटों की ये बात जानना ज़रूरी है कि क्या आखिरकार क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए, साइड में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ पर जयपुर के जो यहाँ पर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जहाँ तक सभी का सेम है, कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं है। कई जो ऑफिस है समाज कल्याण वाले चिपका रखे हैं, कई नहीं चिपकाए हुए हैं, कई उनसे बात करने पर पता चलता है, या फिर जो भी है इशू मेन यही है। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड पे वहाँ पर लगाया हुआ है कि यहाँ पर अगर आपके, देखिए पूरा मैं आपको इष्ट या दे फट के बताता हूँ कि आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर चिपकाया गया है छात्रवृत्ति संबंधित प्राप्तियों का बजट मत के अनुसार जो भी है, प्राप्ति के आवेदन में इनकरेक्ट अकाउंट नंबर और IFC कोड की समस्या आ रही है, कृपया अपने जनाधार कार्ड में नवीन बैंक डिटेल को अपडेट करवाइए। जनाधार कार्ड में बैंक डिटेल अपडेट होने के पश्चात अपने छात्रवृत्ति के SSO लॉगिन में अपडेट है व्यू प्रोफाइल में जाकर अपडेट भामाशा करें और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूरा कह दिया गया है कि क्या तरीका है, वो मैं यहाँ पर अभी बताया मैंने, तो आपको और यहाँ पर मैं अच्छे से बताता हूँ कि क्या करना होगा। दोस्तों क्या है, आपको नया अकाउंट, देखिए सबसे बेस्ट रहेगा उसी अकाउंट की डिटेल को आप वहाँ से अपडेट करें या फिर नए अकाउंट की। तो दोस्तों आपको नया अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा, या नया अकाउंट आपका ओपन है, नया बैंक अकाउंट है, तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले जनाधार कार्ड में नहीं हो तो नया अकाउंट खुलवा लें, उसके बाद में जनाधार कार्ड में जाना होगा, वहां पर आपकी प्रोफाइल पे आपके अकाउंट नंबर की डिटेल चेंज करना होगा, पिछला जो अकाउंट है उसको हटा के नया अकाउंट नंबर है उसका डिटेल वहां पर ऐड करनी होगी। सेव करके वहां पर सेव करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, जनाधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट करने के बाद में क्या होगा, जैसे वो अपडेट होता है उसके बाद में आपको SSO ID ओपन करनी है, और SSO ID में जाके आपको जो स्कॉलरशिप जो पैनल है उस पैनल में जाके आपको क्या करना होगा, स्कॉलरशिप जहाँ से हम यहाँ
पर एप्लीकेशन देखते हैं, स्कॉलरशिप की जितने भी फॉर्म आपने लगाए हुए वो देखते हैं, वहाँ पर कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करने के बाद में सेशन 2021-22 आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर 21-22 में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर सभी के 21-22 सेशन 2021-22 में हो रही है, 23 वाले तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब फॉर्म फिल हो रहे हैं, फिलहाल उनकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका प्रोफाइल सेशन जाना है 2021-22 पे, और उसकी प्रोफाइल पे ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में टॉप पर आपको देखने को मिलेगा अपडेट, अपडेट भामाशाह, क्या देखने को मिलेगा, अपडेट भामाशाह। अपडेट भामाशाह पर जैसे क्लिक करोगे, आपका जो प्रोफाइल पे जो अपडेट हुआ है जनाधार कार्ड में, वो अपडेट वहाँ पर शो कर जाएगी। शो करने के बाद में आपको वहाँ पर मैं आपने जैसे कि अकाउंट नंबर अपडेट किया है जनाधार कार्ड में, तो अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर टॉप पर, तो आपको बोला जाएगा कि क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हो अकाउंट नंबर को, तो वहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे ओके पर क्लिक करते हो, आपका जो स्कॉलरशिप सेशन है वो प्रोफाइल में अकाउंट नंबर अपडेट हो जाएगा। बस यही करना है आपको, क्या यही करना है, केवल आपको प्रोफाइल पर अकाउंट नंबर अपडेट करना है, पिछले अकाउंट नंबर को हटा देना है और नए अकाउंट को अपडेट करना है, केवल प्रोफाइल पे अपडेट करना है। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन को नीचे फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। तो गाइस इसी तरीके से आप अपनी स्कॉलरशिप ला सकते हो। अपडेट करने के बाद में कुछ भी मत करना, आपके अकाउंट नंबर में वो आपके अकाउंट में जो है अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो किस किस के ये प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपके क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पर सभी बातें जरूर कीजिएगा, और जो है इंस्टाग्राम पर आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना फिलहाल दोस्तों। और किसके सबसे जल्दी ठीक हो और आपकी स्कॉलरशिप आए, ये अपडेट करके जल्दी से किसकी स्कॉलरशिप आई वो भी जरूर बताइएगा। फिलहाल आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।